हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनिमल्स वर्ल्ड। हम बात करेंगे आज एक ऐसे जानवर के बारे में जो ऊंट की तरह लंबे और इनके बॉडी प्रिंट्स तेंदुए की तरह होते हैं। ये पृथ्वी के सबसे लंबे स्तनधारी जानवर है। इनके पैर नॉर्मल इंसान से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे जिराफ के बारे में। इनके बारे में जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, जिराफ का वैज्ञानिक नाम कैमलोपार्डलिस है। यह नाम इन्हें इनकी साइज और इनके प्रिंट की वजह से दिया गया है। दुनिया भर में जिराफ की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने आकार, त्वचा, रंग तथा निवास स्थान के अनुसार अलग अलग होती हैं। जिराफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मैदानी इलाकों या जंगलों में रहना पसंद करते हैं। जंगलों में जिराफ का जीवन काल 10 से 15 साल तक का होता है। वहीं चिड़ियाघर या देखरेख में उनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक का होता है। फैक्ट नंबर टू, जिराफ शाकाहारी जानवर है। इनका मुख्य आहार बबूल या कीकर के पेड़ की पत्तियां होती हैं। ये जुगाली करने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। नॉर्मली ये एक बार में 30 किलो खाना निकल लेते हैं और बाद में जुगाली करते हैं, यानी कि ये बाद में अपना खाना वापस लाकर आराम आराम से चबा चबा कर खाते हैं। इन्हें एक बार में 75 पाउंड से अधिक खाने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये अपना अधिकांश समय खाने में बिता देते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, जिराफ लंबे समय तक अपने बॉडी में पानी स्टोर कर रख सकते हैं, क्योंकि वो पसीना नहीं बहाते। ये एक बार में 12 गैलन पानी पी सकते हैं। जिराफ बहुत खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे हफ्तों तक पानी नहीं पीते। वे पानी का अधिकांश हिस्सा आहार में ग्रहण करने वाली वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। फैक्ट नंबर फोर, जिराफ की औसत ऊंचाई 15 से लेकर 18 फीट तक होती है। नए जन्मे जिराफ की ऊंचाई लगभग 6 फीट तक होती है। इस तरह पैदा होते के साथ वे एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनका वज़न 45 से लेकर 68 किलो तक का होता है। फैक्ट नंबर फाइव, जिराफ का गर्भकाल 15 महीनों तक का होता है। ये ज़्यादातर एक बच्चे को जन्म देती हैं, शायद ही इनके दो बच्चे होते हैं। इनके बच्चे करीब 5 घंटे में चलने के लायक हो जाते हैं। करीब 50% जिराफ के बच्चे तेंदुए, शेर जैसे शिकारी के शिकार बन जाते हैं। इनके बच्चे को इंग्लिश में काल्फ कहा जाता है। फैक्ट नंबर सिक्स, जिराफ की दौड़ने की रफ्तार करीबन 35 किलोमीटर पर आवर होती है। जिराफ कई मीलों दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि इनके देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। क्या आपने जिराफ की आवाज़ कभी सुनी है? पहले यह माना जाता था कि जिराफ आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यह पता लगाया गया है कि जिराफ रात के समय एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालते हैं, जिसका रेंज बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हम इंसान इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। फैक्ट नंबर सेवन, जिराफ तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है। क्या आप जानते हैं 21 जून को विश्व के कई देशों में विश्व जिराफ दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर एट, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ के दिल का वज़न 11 किलो होता है और वो एक बार में लगभग 170 बार धड़कता है। इनके 32 दांत होते हैं। ये जानवर की जीभ करीबन 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये इतनी लंबी होती है कि ये आसानी से अपने कान तक भी साफ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं जिराफ अपनी पूरी ज़िंदगी खड़े खड़े ही बिता देते हैं, यानी कि अपने जीवन का अधिक समय वे खड़े होकर ही गुजारते हैं। जिराफ की गिनती उन प्राणियों में आती है जो कम सोते हैं, यानी कि जिराफ 10 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे तक ही सोते हैं, और ये सोते भी खड़े ही होकर हैं। फैक्ट नंबर 10, ऑक्सीपेकर नाम का एक पक्षी जो जिराफ के ऊपर पाए जाने वाले परजीवियों को खाते हैं। इस तरह ऑक्सीपेकर को अपना खाना मिल जाता है और जिराफ को परजीवियों से छुटकारा। जिराफ सामाजिक जानवर है जो समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को टॉवर कहा जाता है।
जिराफ के टॉवर में यानी कि इनके ग्रुप में आमतौर पर 10 से 20 मेंबर होते हैं। कुछ टॉवर में सिर्फ मादा जिराफ और उनके बच्चे होते हैं, कुछ में सिर्फ नर जिराफ होते हैं और कुछ टॉवर में नर और मादा दोनों जिराफ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे और दिलचस्प जानकारी जानने के लिए जुड़े हमारे चैनल से एनिमल्स वर्ल्ड।